नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह चजवान AICTE टैग गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को एजुकेशंस, कंप्यूटर्स, जॉब रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस टेस्ट की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं कि नए कंप्यूटर को किस तरह से ख़रीदना चाहिए, उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, कंप्यूटर जो का जो क्षेत्र है उसमें डेली न्यू टेक्नोलॉजी जो बाज़ार में आ रही है उससे कुछ फ़ैसला लेना कभी कभी मुश्किल सा हो जाता है कि हमें क्या परचेज़ करना चाहिए मार्केट से। आप मार्केट में जाएंगे तो डेली नई नई चीज़ें आपको बताई जाती है कि ये न्यू टेक्निक मार्केट में आ चुकी है, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए। तो उसी से रिलेटेड हम आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी कभी और ये डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है कि हम एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लें या लैपटॉप कंप्यूटर लें। तो दोस्तों, दोनों में थोड़ी सी बात मैं करता हूँ, दोनों की ही अपनी अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं और दोनों की ही अपनी अपनी कुछ परेशानियाँ होती हैं। जैसे कि डेस्कटॉप को आप लैपटॉप की तरह कहीं पर भी ले जाकर ले नहीं जा सकते, ऐसे ही लैपटॉप का कीबोर्ड और माउस ख़राब होने पर आप बाज़ार से उसे तुरंत खरीद कर अपना काम शुरू नहीं कर सकते। तो ऐसे में कौन बेहतर है इसका चुनाव करना चाहिए? सीधी सी बात है, डेस्कटॉप देखने में भले ही भारी भरकम और बड़ा होता है, बट डेस्कटॉप का मेंटेनेंस बड़ा सस्ता होता है और इसके विपरीत जो लैपटॉप का मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि अगर आप एक डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको उनमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है उसका होता है CPU प्रोसेसर। दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में आपको i5, i7, i3 जैसे एडवांस प्रोसेसर मार्केट में मिल जाएंगे। आपको अपने पॉकेट के हिसाब से ये सारे ही जो प्रोसेसर हैं i5 और i7, ये बहुत ही अच्छे उन्नत किस्म के प्रोसेसर होते हैं। आपको अपनी जेब के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से इनको ख़रीदना चाहिए कि आपको कौन सा बेस्ट पड़ रहा है, कौन सा रेट में क्या मिल रहा है। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो रेट को देख के, प्राइस को देख के आप उन दोनों में से कोई प्रोसेसर ले सकते हैं। तो आज की डेट में जो i7 प्रोसेसर है वो सबसे ही बेस्ट प्रोसेसर है, i5 भी ले सकते हैं, और अगर इसके नीचे भी अगर आप जाते हैं तो i3 जो प्रोसेसर है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे किसी भी कंप्यूटर के लिए एक मेन पार्ट होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों, रैम जब कोई कंप्यूटर स्लो हो जाता है या उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो सिंपल सा यही कहा जाता है कि उसके अंदर जो रैम है वो बहुत हल्की है या कम है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी उसमें काम कर रहे हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको रैम का जो चुनाव है बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। वैसे कम से कम आज की डेट में 2 GB रैम तो हर किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में आम बात है, मिल ही जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी कंप्यूटर की स्पीड को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको 4 GB रैम तक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर हार्ड डिस्क। तो दोस्तों, मार्केट में आप लोगों को अपने डाटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरह की हार्ड डिस्क, कैपेसिटी की हार्ड डिस्क मार्केट में मिल जाती है। ये 512 GB भी हो सकती है, 1 TB हार्ड डिस्क भी हो सकती है। आप बेसिकली आप लोगों को ये देखना है कि आपके पास कितना डाटा हो जा इकट्ठा होता है, उसके बेस में ही आपको हार्ड डिस्क परचेज करनी चाहिए। फिर भी नॉर्मली आज की डेट में 1 TB हार्ड डिस्क तकरीबन सबको परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से डाटा बढ़ता जा रहा है उस तरह के उस हिसाब से सबके पास 1 TB हार्ड डिस्क अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, ग्राफिक कार्ड। वैसे तो ग्राफिक कार्ड आज की डेट में जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उनके ऊपर इनबिल्ड आता है, क्योंकि आज की डेट में वेब ब्राउजिंग, मूवी, गेम्स का चलन बहुत ज़्यादा चल पड़ा है और रोज़मर्रा के जो काम होते हैं इन पे ग्राफिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आप अलग से भी ग्राफिक कार्ड अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। दोस्तों,
नेक्स्ट आता है दोस्तों कि स्क्रीन साइज, यानी कि एक तरह से आप मॉनिटर कह सकते हो। आपको स्क्रीन की साइज का, किस स्क्रीन साइज का मॉनिटर मार्केट में लेना है, ये डिपेंड आपको ही करना है। अलग अलग रिजोल्यूशन, अलग अलग साइज की मार्केट में स्क्रीन अवेलेबल आती है। मिनिमम एक 15 इंची से लेकर 17 इंची से लेकर 22 इंची, 24 इंची की मॉनिटर मार्केट में अवेलेबल है। आपको जिस हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से, आपके प्राइस के हिसाब से जो आपको सूट करता है, आप वो मॉनिटर, वो स्क्रीन एलसीडी एलईडी परचेज कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आप अपने कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्टिविटी या इंटरनेट है, नेचुरली उसके लिए आपको अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप अपने घर में कंप्यूटर लेके आ जाते हैं, उसके बाद आपका जो भी आपके नियर अबाउट इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस है, उसके आप कांटेक्ट करके आप अपना इंटरनेट लगवा सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कंप्यूटर को परचेज करने में जो मेन है वो है सीपीयू, प्रोसेसर, आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क, आपका मदरबोर्ड, इन सबको मिला के ही कंप्यूटर एक तैयार हो जाता है। किसी भी अच्छी शॉप से जाके आप इन चीज़ों को परचेज कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में हैं तो नेहरू प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ से आप ये सारे आइटम्स को परचेज कर सकते हो, कंप्यूटर को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा दिल्ली में वजीरपुर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, यहाँ पर भी बहुत कम प्राइस में आप लोगों को कंप्यूटर न्यू परचेज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने अभी आपको दी कि आप किस तरीके से एक न्यू कंप्यूटर को परचेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। मैं कुछ एड्रेस आपको नीचे अपने आईडी वीडियो में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर भी जाके, वहाँ से जाकर भी उन शॉप्स के अंदर जाके आप कंप्यूटर को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।